लोकसभा रिजल्ट्स के बाद एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, बट लोकसभा स्पीकर पोस्ट को लेकर अब भी सस्पेंस कायम है। ऐसा आप जानते हैं कि इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी मार्क टच नहीं कर पाई थी और उसे अपने अलायंस पार्टनर्स की मदद लेकर सरकार बनानी पड़ी। बट अलायंस पार्टनर्स के भी अपने एम्बिशंस होते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी को अपने डिमांड्स की एक लिस्ट सौंप दी थी और उसमें एक डिमांड था स्पीकर के पोस्ट का। उधर ऑपोजिशन पार्टीज भी यही चाहती है कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी का ना हो। आपको बता दें कि 2014 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी तब बीजेपी लीडर सुमित्रा महाजन स्पीकर थी और पिछले लोकसभा में भी बीजेपी लीडर ओम प्रकाश बिरला स्पीकर बने थे। हालांकि पिछले दो टाइम से लोकसभा में बीजेपी को मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीट्स मिली थी। तो आखिर कोलेशन गवर्नमेंट में क्यों स्पीकर का पोस्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये समझते हैं अपने डिप्टी एडिटर संजय शर्मा से। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष का पद, स्पीकर का पद, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि स्पीकर, ये तो सामान्य उनके अधिकार और कर्तव्य हैं कि स्पीकर पूरे सदन की सुनवाई, मतलब जो कार्यवाही है उसको नियंत्रित करता है, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार जो संविधान में अध्यक्ष का है वो भी दल बदल कानून पास होने के बाद कि किसी भी दल के सदस्यों के, कोई सदस्य अगर दल बदल करता है तो उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार स्पीकर का होता है। स्पीकर को बहुत सारे असीमित अधिकार दिए गए हैं सदन के अंदर, तो वो सबसे बड़ा अधिकार ये है। लिहाजा उसमें सत्ता, अमूमन तो ये होता है कि जो परंपरा चल रही है उसमें सत्ताधारी पक्ष का ही अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, अमूमन कई साल ये परंपरा चली कि उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है ताकि वो एक शक्ति संतुलन रहे। लेकिन इसमें यह भी देखा गया है कि जो गठबंधन की सरकार है तो जो पार्टी अपना दबाव बना लेती है वो कहती है कि स्पीकर हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर दल बदल की स्थिति होती है, अगर टूट फूट होती है, कहीं गठबंधन के ही लोग अगर एक दूसरे दल में जाने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति आती है कि अपने बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यू या फिर तेलुगु देशम पार्टी है, इसके ही सदस्य अगर किसी अभाव में, प्रभाव में या दबाव में अगर वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जिस भी पार्टी का स्पीकर होगा वो उसके लिए कुछ फायदा कर सकता है, क्योंकि ये पद संवैधानिक होते हुए राजनीतिक ज्यादा है और गठबंधन की सरकार में इस संवैधानिक पद का राजनीतिक महत्व तो ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना के लोग टूटकर बीजेपी के साथ गए, वैसी स्थिति में स्पीकर की भूमिका अहम हो जाती है। स्पीकर अपनी उस भूमिका का निर्वाह अगर वो पक्षपात पूर्ण ढंग से करता है या किसी भी पार्टी को, पक्ष को ये लगता है कि स्पीकर अपनी भूमिका का निर्वाह सही से नहीं कर रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इसमें हम देखें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा हम मणिपुर में देखें तो वो कितने सारे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें जब अध्यक्ष को ऐसा माना जाता है कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष होता है, लेकिन निष्पक्ष शब्द में भी एक पक्ष है, निष के बाद आगे पक्ष है जिसका कोई पक्ष नहीं हो, लेकिन वो निष्पक्ष में भी एक पक्ष होता है। और यही इसी वजह से सभी पार्टियां यानी गठबंधन की पार्टियों में ललक होती है और वो प्रेशर माउंट करते हैं कि ठीक है आप हमें एक दो मंत्री कम दीजिए, पद ज्यादा मत दीजिए, लेकिन स्पीकर का पद हमारे पास होना चाहिए कि भविष्य में अगर, जिसे कि विपक्ष ऑपरेशन लोटस कहता है, अगर वैसी स्थिति आती है तो फिर अध्यक्ष निर्णायक भूमिका में हो। इसलिए लोग दबाव डालते हैं कि भले हमें मंत्री पद कम दें, बाकी और सुविधाएं कम दें, लेकिन हमें स्पीकर का पद चाहिए। और यही वजह है कि बीजेपी भी कहती है कि आप मंत्री पद जितने ले लो लेकिन स्पीकर हमारा ही होगा। तो अभी के सिनेरियो में अभी स्टेटस क्या है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं रिजल्ट आए हुए और स्पीकर के पोस्ट के नाम पे अभी तक फाइनल अभी डिसीजन नहीं लिया गया है, आपको क्या लग रहा है कि कितने दिनों में इस पे फैसला जो है वो लिया जा सकेगा? आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि इस पर ये दबाव की राजनीति तो होगी, और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू के मामले में माना जाता है कि ये दबाव की राजनीति के माहिर हैं, यानी आर्म पिस्टर हैं, यानी बाजू मरोड़ने की जो कला है ये इनके पास है। और यही वजह है कि जब वाजपेयी जी ने 5 साल सरकार चलाई थी गठबंधन की, राजग की, तो उस समय भी एनडीए की सरकार में भी तीन चीजें थी जिन्होंने वाजपेयी जी को सबसे ज्यादा सांसद में रखा था, समता, ममता और जयललिता। इसके साथ ही एक चौथे ता में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी जिन्होंने बार बार सरकार पर यह दबाव बनाए रखा, और सीएम बालियोगी, जीएमसी बालियोगी, उसी समय
लोकसभा के स्पीकर भी बने थे, तो ये होता है उसमें लोग दबाव की राजनीति करते हैं। दबाव की राजनीति में सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा हथियार ये स्पीकर का पद होता है, जिसके लिए अभी भी ये दबाव की राजनीति हो रही है। और आगे भी मुझे लग रहा है कि अगर कहीं पर इन सारी चीजों में जो एक्सल अगर बिगड़ेगा, कहीं पर अगर चाल बिगड़ेगी, तो हो सकता है कि इसी पद को लेकर हो या इस पद पर बैठे व्यक्ति के क्रियाकलाप को लेकर हो, शायद उस पर आगे जो अगर बनेगी या ढनेगी तो ये इस पर ही निर्भर करेगा कि अध्यक्ष का क्रियाकलाप कैसा होता है। शुक्रिया संजय जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू फॉर इनपुट।